जोहार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों देखिए, आज हम लोग पूरे ग्रामीण लोग, अभी तो देखिए हमारे गांव के लोग ही यहां पर एकजुट हुए हैं और पूरे ग्रामीण लोग, मेरे गांव के लोग यहां पर जमा हुए हैं और सुबह से हैं, अभी से नहीं, सुबह के 9 बजे से देखिए यहाँ पर मीटिंग चल रहा है और अभी शाम हो चला है, अभी 4 बज चुका है। और सोचिए कि सुबह का लोग खाना खा के यहाँ पर आए हैं और अभी तक यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। और इसलिए जमा है क्योंकि एक गरमंजुरा ज़मीन है, वहाँ पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं और उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। तो देखिए, इस तरह का जो ज़मीन है, गरमंजुरा ज़मीन है, बहुत जगहों पर, हर गांव में है, हर जगह पर है, लेकिन लोग इसे बचाने का सोच नहीं पा रहे हैं या एकता नहीं होने के कारण जो इस तरह के जो समाज में रहने वाले लोग हैं, चंद रुपए के लिए ज़मीन को बेच दे रहे हैं या किसी तरह से ज़मीन को कुछ रुपए के चलते इधर उधर कर दे रहे हैं। तो इन सभी को बचाए रखने के लिए हम लोग को एकजुट होना चाहिए। देखिए, हमारे गांव के लोग आज इतना जागरूक हो चुके हैं कि पूरा सुबह से बिना खाना खाए, यानी सुबह एक बार खाना खा के सुबह से 4 घंटा यहां पर रुके हुए हैं उस गरमंजुरा ज़मीन को बचाए रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की जहाँ पर भी गरमंजुरा ज़मीन है आप लोगों के गाँव के आस पास, वहाँ पर एकता दिखाइए और उस ज़मीन को बचा कर रखिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है, इस तरह के जितना भी ज़मीन होता है ग्रामीण लोगों के या जितना पब्लिक होता है उन लोगों के लिए ही होता है, किसी एक आदमी के लिए नहीं होता है। तो देखिए, अभी कुछ यहाँ डिसीजन हो रहा है, ब्लॉक से लोग आ चुके हैं और सरकारी अमीन जो हैं वे भी आ चुके हैं, तो वे लोग कुछ डिसीजन दे रहे हैं। हालाँकि नेट में, यानी कि ऑनलाइन में साफ साफ दिखा रहा है कि ये गैरमंजूरा ही ज़मीन है, अभी तक इसमें किसी का हक नहीं है, यानी कि ये पब्लिक का ही अधिकार में होना चाहिए। और जो इस ज़मीन पर काम शुरू किया है या जो लोग इसे मिलकर बेच रहे हैं, उन लोग का कहना है कि हम लोग के पास कागज़ है, पूरे कागजात है, हर चीज़ डीड पेपर भी हैं। लेकिन चलिए, अब वहाँ जब डिसीजन होगा तो पता चलेगा कि इन लोग के पास क्या है और क्या नहीं है। कानूनी तौर से जो भी इसमें निकल के आएगा, जिसके पक्ष में जाएगा, उनका ज़मीन होगा। लेकिन देखिए, साफ साफ पर लोगों का कहना है कि इस ज़मीन में पहले से ही मेला वगैरह लगता था, लेकिन समय के साथ में वहाँ पर गड्ढा हो जाने के कारण वहाँ पर अब मेला जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अभी भी गैरमंजूरा के अधिकार में होना चाहिए। तो देखिए, सुबह से 4-5 गांव के लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं इस मीटिंग में, इस सभा में, और हमारे ज़िला परिषद और जितना इस पंचायत के अधिकारी लोग हैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो उन लोग का डिसीजन भी जानते हैं। चलिए, आप लोगों को आगे भी कुछ लोगों से बातें करते हैं और पूछते हैं कि उन लोग का क्या राय है इस ज़मीन के बारे में, क्योंकि हम लोग को भी पहले पता नहीं था, उसमें हम लोग वीडियो भी स्टार्ट नहीं किए थे, क्योंकि होता है कि अधूरी जानकारी ठीक बात नहीं है। लेकिन सुबह जब यहाँ तक शाम तक बैठे तो लोगों के अलग अलग राय सुने और सभी लोग बताए, अलग अलग जानकारी हुआ, तब अभी से अब आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं, अभी वीडियो शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, जगह ज़मीन जो है पहले से ही झारखंड में देखा जाए तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और इस तरह के बहुत से लोग हैं, बिना जाति को देखे हुए, कोई भेदभाव किए बिना, सभी के लिए ज़मीन को, जगह को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़े और वे लोग शहीद हुए। लेकिन देखिए, अभी हम लोग आज़ाद देश में हैं, फिर भी इस तरह की जो छोटे छोटे वे लोग बचाए हैं, उससे लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से बेच रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल ही गलत बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।